जादुई लाल फ्रॉक का जादू। बहुत समय पहले की बात है, आनंदपुर नामक गांव में निशा और नेहा नाम की दो लड़कियां रहा करती थी। निशा बहुत ही धनी परिवार की बेटी थी, जबकि नेहा अनाथ थी। नेहा के घर में केवल वो उसकी एक बूढ़ी दादी ही रहा करती थी। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। नेहा की गरीबी देखकर निशा को बहुत दुख हुआ करता था, और जब जब नेहा को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती, निशा कैसे ना कैसे करके नेहा की मदद कर दिया करती थी। निशा के घर वालों को निशा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कि वो अपनी पॉकेट मनी के पैसे बचा बचा कर नेहा की जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर देती थी। इस वजह से निशा के घर वालों ने निशा की पॉकेट मनी ही कम कर दी थी, लेकिन फिर भी निशा पॉकेट मनी में जो भी पैसे मिला करते थे उन्हें बचा कर रख लिया करती थी, ताकि वो जरूरत पड़ने पर नेहा की मदद कर सके। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। और जब कुछ समय बाद नेहा का जन्मदिन आने वाला होता है, तो निशा मन ही मन सोचती है, एक महीने बाद नेहा का जन्मदिन आने वाला है, लेकिन नेहा के पास अपने जन्मदिन में पहनने के लिए कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है। अगर मैं उसे जन्मदिन में पहनने के लिए अपनी ड्रेस दूंगी तो शायद उसे उतना ठीक नहीं लगेगा, इसलिए क्यों ना मैं अभी से अपनी पॉकेट मनी जमा करना शुरू कर दूं, ताकि जमा किए हुए पैसों से मैं नेहा के लिए एक नई ड्रेस खरीद सकूं और उसे जन्मदिन पर गिफ्ट कर सकूं। लेकिन मैं उसे गिफ्ट में कौन सी ड्रेस दूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो काफी देर अपने दिमाग पर जोर डालती है, तभी उसे याद आता है कि नेहा को लाल रंग बहुत पसंद है। मैं ऐसा करती हूँ कि नेहा के लिए एक लाल रंग की फ्रॉक खरीद लेती हूँ, उसे वो बहुत पसंद आएगी। ये सोचकर निशा उस पूरे महीने अपनी पॉकेट मनी से मिलने वाले पैसों को खर्च नहीं करती, और नेहा के जन्मदिन से एक दिन पहले वो सारे पैसे लेकर मार्केट जाती है, ताकि वो नेहा के लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद सके। मार्केट में पहुंचकर वो एक दुकान में जाती है, जहां उसे बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिखाई देती है। वो दुकानदार से पूछती है, भैया ये लाल फ्रॉक कितने की है? बेटी ये फ्रॉक 3,000 रुपए की है। अंकल 3,000 तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो केवल 2,000 रुपए ही है, क्या आप मुझे ये फ्रॉक 2,000 में दे सकते हैं? मेरी सहेली का जन्मदिन है और इसलिए मैं ये फ्रॉक खरीद रही हूँ, ताकि मैं उसे गिफ्ट में दे सकूँ। बेटी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपनी सहेली को गिफ्ट में फ्रॉक देना चाहती हो, लेकिन बेटी तुम तो समझती ही हो कि मैं एक दुकानदार हूँ और अपना सामान बेचकर ही अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। अगर मैं तुम्हें 3,000 की फ्रॉक 2,000 में दे दूंगा तो मुनाफा होने के बजाय मेरा तो उल्टा नुकसान ही हो जाएगा, इसलिए बेटी मुझे माफ कर दो, मैं ये फ्रॉक तुम्हें इतने कम पैसों में नहीं दे सकता। तुम चाहो तो कोई और फ्रॉक देख सकती हो जो इतने पैसों में आ जाए। नहीं अंकल, मुझे अपने फ्रेंड को देने के लिए केवल लाल फ्रॉक ही चाहिए, क्योंकि उसे लाल रंग बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे जो फ्रॉक जन्मदिन में गिफ्ट करूँ उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं अंकल, अगर आप मुझे फ्रॉक इतने पैसों में नहीं दे सकते तो मैं किसी और दुकान पर जाकर ट्राई कर लेती हूँ। इतना कहकर निशा उस दुकान से चली जाती है और मार्केट में बनी हुई बाकी दुकानों पर जा जाकर लाल फ्रॉक खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन हर दुकान पर वो लाल फ्रॉक 3,000 या फिर उससे ज्यादा पैसों में ही मिल रही होती है। ये देखकर निशा का मन बहुत दुखी हो जाता है और वो निराश होकर मार्केट से वापस घर जाने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर एक नई दुकान पर पड़ती है। वो नई दुकान दिखने में कुछ अलग सी लग रही थी, लेकिन निशा इस बात पर गौर नहीं करती और मन ही मन सोचती है, एक बार इस नई दुकान पर जाकर और ट्राई करके देख लेती हूँ, क्या पता इस दुकान के मालिक दुकान नहीं होने की वजह से मुझे लाल फ्रॉक कम पैसों में दे दे। ये सोचकर निशा उस नई दुकान के अंदर जाती है और उस दुकानदार से लाल फ्रॉक का रेट पूछती है।
बेटी, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम हर दुकान में जा जाकर फ्रॉक का रेट पूछती हो, लेकिन वहाँ से तुम खाली हाथ ही वापस दूसरी दुकान में चली जाती हो। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने की इस लाल फ्रॉक को खरीदने के लिए चाहिए। हाँ अंकल जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दरअसल हर दुकान में ये लाल फ्रॉक 3,000 रुपए में मिल रही है, लेकिन मेरे पास केवल 2,000 रुपए ही है, इसलिए हर कोई मुझे इतने कम पैसों में फ्रॉक देने से मना कर रहा था, और इसी कारण मैं हर दुकान से खाली हाथ ही वापस आ जाती थी। मैं बस वापस घर जा ही रही थी कि तभी मुझे आपकी दुकान दिखाई दी। मुझे लगा कि शायद आपकी दुकान नहीं है तो आप मुझे ये लाल फ्रॉक कम पैसों में दे दोगे। बस यही सोचकर मैं एक बार आपके दुकान में भी ट्राई करने के इरादे से आई हूँ। लेकिन अगर आप भी मुझे इतने कम पैसों में फ्रॉक नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भी वापस खाली हाथ ही अपने घर चली जाऊंगी। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। माँ के लोगों ने तुम्हें बेशक ये लाल फ्रॉक कम पैसों में ना दी हो, लेकिन मैं तुम्हें ये लाल फ्रॉक बिना पैसों के ही दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही नेक और अच्छी लड़की हो। तभी तो तुम अपने घर वालों के मना करने के बावजूद हमेशा ही अपनी सहेली की जरूरत पड़ने पर मदद किया करती हो। निशा दुकानदार की इस बात पर ध्यान नहीं देती, वो तो केवल ये सुनकर ही खुश हो जाती है कि वो दुकानदार उसे वो लाल फ्रॉक फ्री में दे देगा, और दुकानदार की बात ध्यान से सुने बिना ही वो दुकानदार से लाल फ्रॉक ले लेती है और वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन जब नेहा का जन्मदिन होता है तो वह सुबह सुबह ही उसके घर वो लाल फ्रॉक लेकर पहुंच जाती है और उसे कहती है, हैप्पी बर्थडे नेहा, देखो मैं तुम्हारे जन्मदिन पर पहनने के लिए तुम्हारे पसंद की लाल फ्रॉक लाई हूँ। चलो जल्दी से मुझे ये लाल रंग की फ्रॉक पहनकर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम इस फ्रॉक में कैसी लगोगी। थैंक यू निशा, मैं जानती थी कि तुम मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आओगी, और तुम्हारी लाई हुई ये लाल फ्रॉक सच में बहुत सुंदर है, मैं अभी इसे पहनकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा वो लाल फ्रॉक लेकर अपने कमरे में उसे पहनने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही नेहा उस लाल फ्रॉक को पहनती है उसके घर में एक अजीब सा जादू हो जाता है। उसका घर टूटी फूटी झोपड़ी से बदलकर एक शानदार सा महल बन जाता है, जिसमें सुख सुविधाओं की हर चीजें पहले से ही मौजूद होती है। ये देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है, और जब निशा ये सब देखती है तो उसे उस दुकानदार की सारी बातें याद आ जाती है जो उसने उस वक्त ध्यान से सुनी नहीं थी। तब उसे समझ आता है कि वो लाल फ्रॉक दरअसल कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि एक जादुई फ्रॉक है, और जिस दुकानदार ने उसे ये फ्रॉक दी वो जरूर कोई दिव्य शक्ति ही होगी। इसलिए उन्होंने नेहा की मदद करने के लिए उसकी मदद की। ये देखकर निशा उस दुकानदार को मन ही मन धन्यवाद कहती है और भागकर अपनी दोस्त नेहा के पास जाती है, और दोनों सहेलियां मिलकर बहुत खुश होती है। इसके बाद से नेहा हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ रोज़ देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।